तो हम स्टार्ट करते हैं इनकी पर्सनालिटी से. तो पहली चीज़ जो इनकी पर्सनालिटी में नज़र आती है वो ये है कि ये बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं है. नहीं है बिल्कुल, ये तो मैंने गैस कर लिया. बिल्कुल, लेकिन मौका दिया जाए तो ये बहुत ज़्यादा टॉक कर सकती हैं. ये आपने गैस किया? ये मुझे फीलिंग आ गई इनसे. अच्छा, हाँ, आ गई है. हमारी अच्छी हो गई आइस ब्रेकिंग. ओह नाइस नाइस. अच्छा, सेकेंडली जो मुझे आपके चार्ट में नज़र आते हैं कि आपके अंदर एक मदर इंस्टिंक्ट बहुत ज़्यादा है, कि आपको अपने करीब के लोगों को मदरिंग करने का बड़ा शौक़ है. अच्छा, हर एक को नहीं करने का शौक, मगर मुझे ये होता है कि अगर कोई मुझसे कुछ मशवरा ले और वो मुझे लगता है कि वो वाकई मेरी किसी बात को समझ के उस पर अमल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैं कोई अपने आप को परफेक्ट नहीं कहती, लेकिन मेरा जितना एक्सपीरियंस होता है ना, मैं उससे रिलेटेड बात उसको समझाती हूँ कि मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ या मुझे लगता है कि ये ऐसे अगर तुम करोगी या करोगे तो अच्छा होगा. इज इट ऑल्सो बिकॉज यू आर एन एल्डर सिस्टर, इस वजह से है वो मेरी मुझसे ज्यादा समझदार है. ईमान, ईमान से मैं पूछती हूँ कि ईमान अब मुझे क्या करना चाहिए. अच्छा. वो माशाल्लाह इतनी समझदार है. सो यस, एक एक टेंडेंसी इनके अंदर ये, लेकिन जब बोलने पे आती है तो ये टीचिंग भी शुरू कर देती है. वाइफ इंस्टिंक्ट कितनी है उनमें? मदर इंस्टिंक्ट से आप आगे चलें. आगे पर मदर इंस्टिंक्ट पे आप हैं. आगे बताएं आप जरा. दो दो लड़कियों को मेरी ये बात पसंद आई. वाइफ इंस्टिंक्ट में यस, शी हैज अ लॉट ऑफ वाइफ वाइब्स ऑल्सो, लेकिन उसके अंदर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है. मतलब ये नहीं है कि शैलो किस्म का रिलेशनशिप इनका, ऐसा नहीं है. शैलो किसका होता है यार बाजी? नहीं नहीं नहीं, ये ट्रस्ट इजीली नहीं करती लोगों के ऊपर. इनको थोड़ा टाइम लगता है किसी को ट्रस्ट करने के लिए. अच्छा, हम उस पर बाद में आएंगे, लेकिन मुझे एक चीज जो पूछनी थी आपसे वो ये थी कि आपके चार्ट में थोड़ा सा रोना थोड़ा बहुत ज्यादा है, मतलब आप रोती बहुत है, तो मुझे लिस्ट बताएं किन किन चीजों पर रो लेती हैं. अच्छा, मैं आपसे यही कह रही हूँ, मैं वाकई रोती हूँ. हाँ, मैं वाकई रोती. नहीं नहीं, मेरी लाइबा रोती है, थोड़ी रोती है, क्योंकि कुछ अरसे पहले तक मैं नहीं रोती थी. मतलब मुझे ये था कि कुछ भी हो जाए, आई डोंट केयर वट एवर, मैं नहीं रोती थी. लेकिन मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ऐसी होती है जैसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना, हर छोटी सी, मैं छोटी बातों पर ज़्यादा रोती हूँ, मुझे बड़ी चीज़ों पर रोना. एग्जाम्पल एग्जाम्पल, अगर मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट कर लिया कि अगर मैंने खाना नहीं खाया और आपने मुझसे पूछा नहीं कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, तुम भूखी हो या तुम्हारा दिन जो है, तुम मेरी अम्मी की मिसाल ले लेते हैं कि अगर मैं घर आई हूँ और अम्मी बिजी हैं, उनकी बहनों की कॉल, अम्मी की कॉल, और मैं पूरा दिन बाद आई हूँ और अगर अम्मी बहुत बिजी हैं और मुझसे ये नहीं पूछेंगी बेटी दिन कैसा गुजरा तुम्हारा, किसी ने तंग तो नहीं किया, सब ठीक था, तो मैं उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा ना इमोशनल हो जाती हूँ कि अम्मी ने मुझसे क्यों नहीं पूछा, अम्मी को मेरी फिक्र नहीं है, अम्मी मुझसे प्यार नहीं करती हैं. लाइफ कैसा जा रहा है? सही जा रहा है. अच्छा, अब हर एक से नहीं होता, मुझे हर एक से बोला नहीं, हमें हटा दिया. जिनसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ, एक्सपेक्टेशंस होती है उनसे बहुत ज्यादा मुझे इमोशनल अटैचमेंट. खाना मैंने खाया नहीं, अभी तक नहीं खाया, डाइट पे हूँ मैं. ओके, तो रोने का जो है आपका बहुत ज्यादा आपको शौक है और आप मतलब प्लान करके भी रो रही होती हैं इनको. अगर रोना नहीं हो रहा लाइफ में तो ये सोच ये ना बोल. नहीं नहीं नहीं, असल में सिचुएशंस ही ऐसी होती हैं, उस बारे में सोचो रोना निकल जाता है. ढूंढ ढूंढ के रोती हैं आप? रीजन क्या? रीजन ये रीजन ढूंढना ही हुआ ना, अम्मी ने नहीं पूछा. इमोशंस जुड़े हुए होते हैं ना जब आपके कुछ लोगों से, तो फिर उनसे आपकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती हैं. अच्छा, एक और चीज़, यस, शी इज़ वेरी सेंसिटिव, और इनके साथ एक और एम्पैथ भी है. ये अच्छा. दूसरों की एनर्जी कैच कर लेती हैं समटाइम्स. ये अपना रोना नहीं, दूसरों के रोने भी रो लेती हैं. मतलब कोई और आके अगर इनको थोड़ा सा बताए अपने बारे में तो थोड़ा इनको फीलिंग मुझे बुरा फील होता है दूसरों के लिए. अगर कोई अपनी ऐसी स्टोरी सुना दे जिसको अगर मैं ये सोचूँ कि यार वाई, मतलब इतना अच्छा इंसान और इसके साथ ऐसा क्यों है, तो मुझे बहुत बुरा फील होता है. ये भी एजाज असलम की तरह मुझे बहुत फरिश्ता सिर्फ लग रही है, बहुत लोगों का गम पालने वाली. फरिश्ता सिर्फ नहीं कहेंगे, लेकिन इनके चार्ट में मदर टेरेसा का एक सिग्नेचर है कि जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि इनको गिविंग नेचर इनका बहुत ज़्यादा है, जिसमें सेक्रीफाइस करना भी इनको अच्छा लगता है. तो हाँ. क्या क्या कुर्बानियाँ दे चुकी हैं अभी तक आप इतनी छोटी उम्र में लाइवा? ये तो मैं नहीं बताऊंगी क्या कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन दी हैं. हाँ जी. या तो एक दूसरी चीज, कितना मस्ती मजाक वाली बातें बताएं, आप बहुत सीरियस ले गई हैं. अच्छा, चलें कुर्बानियों पे चलें. आप आए मेरे रिलेशनशिप पे. हाँ, यहाँ आए, इधर आए, ये बात बताएं. वो देखें उनको भी खुशी. ये बातें बताएं, बॉय बॉय का क्या सीन है? बॉय का सीन ये है कि इनको नहीं नहीं वो आ रही है सुबह से. तो बॉय का सीन ये नहीं है कि कोई भी इनको चाहिए, कि इनको प्रूफ चाहिए कि अगर कोई इनके साथ लॉयल है या नहीं.
नहीं है आपको, आप सवाल आपका ना, कोई भी नहीं किया मैंने, तो लाइबा इनको साइड पर करते हैं। आप बताएं कि जो मैं देखती हूँ आपके चार्ट में, आपको लॉयल्टी बहुत मैटर करती है, अगर आपको एक जरा सी भी इंस्टेंट आ गई कि भाई कुछ गलत चल रहा है तो आप फौरन से विदड्रॉ कर देती हैं चीज़ों में, और ट्रस्ट के बहुत ज़्यादा इशूज आपके साथ। ऐसा ही है, लॉयलिटी की आपने बात की तो मुझे ही होता है कि मैं लॉयल हूँ ना, और मैं कभी भी अगर किसी इंसान के साथ हूँ या होंगी तो मैं ये, अगर कोई साथ खड़ी हुई लड़की हो या लड़का हो ना, तो मैं नहीं देखूंगी, क्योंकि मुझे ये खौफ होगा कि यार अगर उसे ये बात पता चली तो उसका दिल बहुत टूट जाएगा। तो मैं इस मामले में बहुत लॉयल हूँ, तो मुझे ही होता है कि मुझे सामने से भी वो चीज़ चाहिए, लड़की को भी, मैं लड़के को क्या, लड़की को भी नहीं, मुझे हाँ अगर उसे नहीं पसंद मैं उस लड़की से भी बात करूँ तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि उसका दिल ना टूटे, उसका दिल ना दुखे, अगर करे तो दुख होगा ना, इसलिए तो मैं लॉयल हूँ, तो मुझे भी तो सामने से वही चीज़ चाहिए। बिल्कुल, और इंटेंसिटी अगेन हम वही बात करेंगे कि थोड़ा सा इमोशंस का ज़्यादा, आपका रिमोट कंट्रोल इमोशंस में ज़्यादा है। मुझे इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, अटैचमेंट भी और ऑब्सेशन भी हो जाता है, कि मतलब फिर कुछ और नज़र नहीं आ रहा होता, बस यही है जो है। सो अच्छा, ये वो वाली और बताएं, ये नहीं कह रहा कि वो गर्लफ्रेंड है, लेकिन ये वैसी गर्लफ्रेंड बनने की इनमें पोटेंशियल है कि कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, वैसी बीवी, इसी बीवी पे आया, इसी बीवी पे, कहाँ हो, किधर हो, किसके साथ हो, बिल्कुल। अच्छा, शक वक का नहीं है मुझे इतना, लेकिन मुझे ये कि मुझे पता हो बंदा कहाँ है और क्या कर रहा है और उसका क्या क्या टाइम है उसके, ऐसा नहीं इधर उधर जाना तो नहीं, नहीं नहीं, ये फोन करके नहीं पूछेंगे कहाँ हो, इनको पता होगा कि वो कहाँ है, बिकॉज इनको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि वो कहाँ पर है। गुड लक बॉय, जो भी तुम हो। एक चीज आपके चार्ट में मुझे नजर आती है, आपको वाटर रिलेटेड फोबिया है, कोई हाइड्रोफोबिया, ये कौन है, इनको कैसे पता है? ये सच है, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। कभी मैं कहीं बीच पे जाती हूँ ना तो मैं पानी को नहीं देख सकती। एक दफा हमने एक बीच पे करने क्या जाती हूँ, शूट, अनफॉर्चुनेटली शूट्स होती हैं, कुछ होता है तो, या गुजर भी गए, वो सीवी वाला जो रोड है मैं नहीं देखती, राइट साइड पे मैं नहीं देखती, मुझे बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब चली गई शूट्स पे या पिक्चर्स वगैरह बना ली कहीं जाके, लेकिन मुझे पानी को देख के एक बहुत ज़्यादा खौफ आता है। स्विमिंग पूल को देख के भी डर लगता है? स्विमिंग पूल्स को, अभी मेरा रिसेंटली एक सीन था ड्रामे में जिसमें स्विमिंग पूल में मैंने गिरना था, मैंने गिरी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है, मैंने वो सीन मना कर दिया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर लगता है पानी से, मुझे एक्चुअली बहुत डर लगता है। जो बच्चों के स्विमिंग पूल भी होते हैं ना, मैं उसमें भी नहीं जा सकती। बाथटब तक ठीक है, वहां से भी डर, उसको छोड़े आप। ओके, एक और चीज जो आपके चार्ट में है वो मुझे ये नजर आता है कि आपको चीजें बहुत ज्यादा डीपर लेवल पे फील होती हैं, तो अगर चार बच्चों को डांट पिटती होगी तो सबसे ज्यादा आपको फील होती होगी कि मतलब क्यों डांट दिया। वही सेम वही चीज आ गई कि मुझे दूसरों का दुख जो है ना वो होता है, फील के ज्यादा हो रहा है किसी के साथ, या सेट पे भी अक्सर जो छोटे बच्चे ईएनजी के होते हैं, अगर वो डांट खा लें या आपके, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपकी लाइफ का जो डिफिकल्ट पीरियड था वो चल रहा था, जिसमें आपको शायद रोना वगैरह है, थोड़ा सा रह गया, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो उसकी निकल चुकी है। नहीं नहीं, इट्स नॉट तंग करना, बट लेकिन मुश्किल आती है ना लाइफ में, कुछ भी काम से रिलेटेड, काम वाले मैं लोग कह रहा हूँ, शायद कोई कोस्टार तंग कर रहा हूँ, मुझे कोई तंग नहीं करता, कोई डायरेक्टर तंग कर रहा हूँ, नहीं मुझे कोई तंग नहीं करता, कोई मुझसे बात उस तरह से करे। अच्छा, किस तरह से करे, मतलब कि जैसे एडवांटेज ले, हाँ वो चीज नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो आप वाइब्स भी ऐसी देखती है ना कि स्टे अवे फ्रॉम मी, वो तो भाई भाई बना, भाई बना देती देखो, हाँ ठीक है, नहीं नहीं बोले तेरे बाकियों को बनाया तो बनाया, मुझे नहीं बनाया अभी तक, अल्लाह करे बस उस तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए यार। अच्छा, एक और चीज जो आपके चार्ट में, भाई परफेक्शनिज्म, आपके दिमाग में परफेक्शनिज्म का एक कॉन्सेप्ट है जो कि आप उसको कभी अचीव नहीं कर पाती, आपको लगता है ये इससे ज्यादा अच्छा हो सकता है, रहेगी कसर रहेगी, हाँ, तो नॉट गुड इनफ का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा आपका एक स्क्रिप्ट चलता है हर वक्त, कि ये सीन को देख के बोला यार आई कुड हैव डन बेटर, हाँ ये तो होता है, ये होता है, और सीन्स को देख के, काम को देख के, अपने अपने हर अपने लुक को देख के, अपनी किसी को अच्छी एडवाइस देने में या अम्मा अब्बा को खुश करने में, किसी रिश्ते को खुश करने में, कहती हूँ मैं इससे बेहतर कर सकती थी, अच्छी बात है, ये अच्छी बात, तो ये चीज़ सेल्फ असेसमेंट है, बिल्कुल सेल्फ असेसमेंट भी है, प्लस शी इज़ वेरी वेरी केयरफुल अबाउट हर फैमिली ऑल्सो, इनको इनके लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी अपनी अम्मी से जो रिलेशन है वो बड़ी कोई बॉन्डिंग किस्म का है, मुझे भी दिखा सारे इंटरव्यू कैसे
Well, no. It's the first time we've met. But no, I know that you're very close to your mother और आपकी अम्मी के साथ आपका जो एक bonding और relationship वो बड़ा बहुत strong है. माशाल्लाह, माशाल्लाह. अच्छा, एक और चीज़ जो वो ये है कि भाई मज़े क्यों नहीं चाहिए भाई, ये जो एक और निकला है ना ये कुछ नहीं. So basically इनका mentally बड़े, इनके ideas बड़े अच्छे होते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, ambitious हैं, लेकिन जब action का part आता है तो ये थोड़ा सा हो जाती है कौन करेगा. कुछ शरारतों का बताएंगे, शरारत क्या करती है उनकी? ये impulsive बिल्कुल नहीं है, impulsive बिल्कुल नहीं, इनकी शरारतें भी सारी इमोशनल सब... मासूम है अंदर से. देखिए मैं बहुत मासूम हूँ एक्चुअली. वो तो वो बताएंगी ना. वो इतना तो बता चुकी है. बताओ कोई क्या करती है फारिक, आपकी मासूम की डेफिनेशन क्या है पहले ये बताओ. अरे यार मैं तो वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि उनको क्या, किस चीज में इंडल्ज करना पसंद है उनको? शॉपिंग का शौक है, ज्यादा पैसे खर्च, अपनी ओवर थिंकिंग में इंडल्ज करने का, बस ओवर थिंकिंग, बस ओवर थिंकिंग, बस इन्होंने ओवर थिंकिंग में कहीं से कहीं नहीं करती. दोस्त है नहीं है, शी लाइक्स टू ट्रैवल, शी लाइक्स टू गो आउट, इतना शी लाइक्स गो पार्टिंग, क्या मतलब? नहीं 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 नहीं, ट्रैवल के तो शौक, ट्रैवल का इनको बहुत शौक है और इनके बड़े रैंडम किस्म के ट्रैवल्स भी होते होंगे, लेकिन एट द सेम टाइम ये कोई सोशल, हम कहें कि इनको सोशलाइज करने का शौक नहीं, क्योंकि ये एम्पैथ है, ये कहीं भी जाती है इनकी एनर्जी ड्रेन होनी शुरू हो जाती है. तो अगर बहुत सारे लोगों से इन्होंने बात की है ये इमोशनली ड्रेन फील करती हैं, थक जाती हैं, थक जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, अपनी एनर्जी दे देती हैं, हाँ बांट देती हैं, बिल्कुल मदर टेरेसा वाली बात. ठीक है, थैंक यू सुमेरा, तालियां भाई सुमेरा के लिए, थैंक यू सब बताने के लिए. कितनी एक्यूरेसी थी? 99.99%. कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं? मैं आपसे शो के बाद पूछ रहा हूँ.